मेरे हाथ में अखबार का कुछ पन्ना है, आप सभी देख सकते हैं, और मेरे बगल में मेरी माँ है। घर पे पुलिस वाले जाते हैं और कहते हैं कि बेटा को हाजिर कराइए, गिरफ्तार करवाइए, हाजिर करवाइए। तो चलिए ठीक है, मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ और जेल जा रहा हूँ। मैं मम्मी के साथ बैठा हूँ और देख सकते हैं ये आप लोग, 21 फरवरी का अखबार में छपा हुआ है, फिर 26 फरवरी का छपा हुआ है अमर उजाला में, बिहार के नेताओं ने बिहार के मजदूरों के बारे में 28 फरवरी को जो आरजेडी के नेता हैं डॉक्टर अनिल साहनी उन्होंने पोस्ट किया था, पप्पू यादव ट्वीट किया था 28 फरवरी को। उसके बाद से ये प्रभात खबर का जो है वो 1 मार्च को आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया, ये हिंदुस्तान में छपा हुआ है, ये प्रभात खबर में छपा हुआ है, ये दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। लेकिन इन सब से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, सवाल सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप से कि क्यों क्यों क्यों। आज घर वाले भी परेशान हैं, मेरे पापा परेशान हैं, मेरी माँ परेशान हैं कि आखिर ऐसा किया क्या है मैंने। तो मैं अपनी मम्मी के सामने कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और भगत सिंह ने भी कुछ गलत नहीं किया था। बस हम लोगों ने अनेकों माओं का आंसू पोंछा है, उम्मीद है कि बिहार में मेरे माँ के आंखों में भी आंसू नहीं आएगा और आप लोग नहीं आने देंगे, उम्मीद है। क्या होगा, कुछ दिन की बात है, सरकारें जो है कैद करके रखेंगी, विचारों को कैद करके थोड़ी रख सकती है। मैंने अपने लिए लड़ाई थोड़ी लड़ा है, मैंने अपनी माँ के लिए थोड़ी लड़ा है, मैंने अपने पिताजी के लिए थोड़ी लड़ा है, अपने भाई के लिए थोड़ी लड़ा है, मैं लड़ाई लड़ा हूं बिहार के लिए। मेरे अकाउंट में 42 लाख रुपया मिला है, अकाउंट में 42 लाख रुपया पकड़ा नहीं जाता है, अकाउंट में लोग पैसा रखता है, उसको भी ना जाने किस प्रकार से जो है वो पेश किया गया। बस बिहार के लोगों से विनती है कि आप लोग जो है चीजों को समझेंगे और चलिए एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं गलत सिस्टम के खिलाफ और इस लड़ाई को जीतेंगे। और सिर्फ ये लड़ाई जो है मुझे अपनी मम्मी के लिए नहीं जीतना है, मुझे अपनी माँ के लिए नहीं जीतना है, ये लड़ाई जो है हर बेटा को अपनी माँ के लिए जीतना है, हर बिहारी को अपनी माँ के लिए जीतना है और पूरे बिहार को जो है बिहार माँ के लिए जीतना है, सबको। मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन चूंकि आप सभी को पता है कि कानून के आंख पे पट्टी है, कानून अंधा है, आप सभी को पता है, लेकिन अंधा कानून जो है न्याय करता है, आज नहीं तो कल न्याय तो होता है, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोग पॉलिटिशियन नेता जब वही लोग अंधे हो जाएंगे तो फिर न्याय कैसे, न्याय का उम्मीद कैसे करेंगे हम लोग। रोज ना जाने कितनी माओं के आंखों में आंसू आ रहा है बिहार में, ना जाने कितनी माओं के बच्चे जो है बेवजह मजदूर बन जा रहे हैं बिहार में, सबको पता है कारण क्या है। चलिए ना इस कारण को जानने का प्रयास करते हैं और इसी समाधान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरे ऊपर और भी केस है, स्टूडेंट के लिए लड़ा उसमें केस हुआ, एक हरिजन व्यक्ति थे उनके बेटे के दिल में छेद था, वो इलाज के लिए बैंक में पैसा रखे हुए थे, वहां से पैसा जो है इधर उधर हो गया, उसके लिए लड़ा, मेरे ऊपर केस हुआ, आचार संहिता का मेरे ऊपर केस हुआ, यही सब तो केस है। एक अंग्रेज का मूर्ति तोड़ने का केस है मेरे ऊपर, जो अंग्रेज हमारे चंपारण में लोगों से नील की खेती करवाते थे। लेकिन आप सभी को पता है कि इन सभी चीजों पर चर्चा करे या ना करे, लेकिन बिहार की बर्बादी पे आज हम लोगों को चर्चा करना होगा। आखिर बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाके क्यों मार खाते हैं, क्या ये बात गलत है? अगर गलत है तो ये सारे अखबार गलत है, गलत है तो वो सारे मजदूर गलत है जो रेलवे स्टेशन पे आके जो है उन्होंने बोला, गलत है तो वो सारे रिकॉर्डिंग गलत है जिन्होंने फोन करके अपनी बातों को बताया, गलत है तो हर माँ का आंसू गलत है जो अपने बेटे के लिए बहा रही है और उम्मीद कर रही है कि मेरा बेटा जो है बिहार में पैदा हुआ है तो राजा बेटा बनेगा, बिहार में उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। हर माँ का बेटा जो है वो बिहार से बाहर इलाज कराने के लिए जा रहा है,
बिहार से बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, बिहार से बाहर शिक्षा के लिए जा रहा है, बिहार से बाहर रोजगार के लिए जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों? और इसी चीज को तो बदलना है। बस मम्मी से मिल लिया और अब जेल, उसके बाद से देखा जाएगा। फिर उम्मीद है कि आप लोग जो है खड़े रहेंगे, और जब तक आप लोग खड़े रहेंगे किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। और बस कानून अंधा है आप।